आज हम बनाएंगे पार्ले जी बिस्किट से बर्थडे केक। ये बहुत ही सिंपल सा केक है, बहुत जल्दी बन जाता है एंड मैंने इसे बिना माइक्रोवेव ओवन के बनाया है, कुकर में। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं कुकर में बनाकर दिखाऊं केक, बहुत जल्दी बन जाता है एंड इसे मैंने बहुत सिंपल सा डेकोरेट किया है, बहुत प्रिटी लग रहा है ये सिर्फ मैंने 10 रुपये वाली पार्ले जी से बनाया है। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी, तो चलो देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले लिया है मैंने यहाँ एक 10 वाला पार्ले जी। सब बिस्किट को मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है ऐसे। अब लिया है मैंने एक ब्लेंडिंग जार। अब सारे बिस्किट्स को मैं तोड़ तोड़ के इस जार में डाल दूंगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप चीनी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून कोको पाउडर, 3 ड्राई इंग्रेडिएंट को मैंने इस जार में ले लिया है। अब एक बार मैं इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा ब्लेंड कर लेती हूँ, लाइक रफली ब्लेंड करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट को मैंने एक बार ब्लेंड कर लिया है, सब एक दूसरे में अच्छे से मिल गए हैं, सिर्फ इसलिए मैंने रफली ब्लेंड किया था। अब एक एक करके मैं इनमें सारे मेरे वेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी एंड वेट इंग्रेडिएंट डालने के बाद मैं इसे फिर से ब्लेंड करूंगी, तो जितने भी बिस्किट के टुकड़े आपको ऊपर दिख रहे हैं वो सब स्मूथ पेस्ट बन जाएंगे। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, रेगुलर रिफाइंड ऑयल, 1, 2, 3, 4, 5 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। अब मैंने लिया है यहाँ 1/2 कप दूध, ये मैं आधा ही डालूंगी, 1/2 कप का, यानी कि 1/4 कप डालूंगी एंड इसे अब मैं कर लेती हूँ ब्लेंड। दूध जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी, सारा एक साथ ऐड नहीं करूंगी और एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी कर लूंगी। सो गाइस, सारे बिस्किट एंड सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर बना लिया है मैंने एंड बैटर को मैंने इसमें निकाल लिया है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा सकूँ कि कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिसे रिबन कंसिस्टेंसी भी कहते हैं ऐसे। एंड अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास हो। बहुत लोगों के पास नहीं होता है, तो आपके पास नहीं है तो आप बिना वनीला एसेंस के भी बना सकते हो, है तो डाल लेना। मेरे पास है तो मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। अब हम कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स। यहाँ लिया है मैंने एक केक मोल्ड, उसमें मैंने पहले से ऑयल लगा के उसे ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास केक मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में बना सकते हो, टोपिए में बना सकते हो, या जो टिफ़िन आते हैं ऐसे बड़े उसका ढक्कन हटा के उस टिफ़िन में भी बना सकते हो, जो आपके पास है आप उसी में बना लो। सारा बैटर मैंने केक मोल्ड में निकाल लिया है। अब मैं हल्के हाथ से इसे एक बार टैप कर दूंगी, बहुत ज़्यादा मत टैप करिएगा, बस जैसे कोई एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। मैंने हल्के हाथ से टैप कर दिया है। मैंने एक कुकर लिया है, कुकर के बेस में मैंने नीचे नमक लगाया है एंड हाई फ्लेम पे मैं इसे 3-4 मिनट के लिए गर्म कर लूँगी ढक करके। जैसे ये गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें स्टैंड लगा के अपना केक मोल्ड रख दूँगी। कुकर गर्म हो गया है, मैंने उसमें स्टैंड लगा दिया है, अब मैं उसमें केक मोल्ड रख देती हूँ। केक मोल्ड मैंने रख दिया अंदर, अब मैं इसे ढक दूँगी। ढक के मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लूंगी। आप बीच बीच में एक दो बार चेक कर लीजिएगा 10-15 मिनट में। 15 मिनट हो गया है, अब मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। देख के तो लग रहा है कि केक पूरा बन चुका है। बीच से हमेशा चेक करना चाहिए क्योंकि बीच से जो है केक पकने में ज्यादा टाइम लेता है। आप देखते हो नाइफ बिल्कुल क्लियर आया है, केक अंदर से बिल्कुल पक चुका है। अब मैं इसे कुकर से बाहर निकाल लेती हूँ। बाहर निकाल लिया मैंने केक को और अभी ये बहुत गर्म है तो मुझे थोड़ा वेट करना होगा जब तक ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता, और अगर अभी मैं गर्म गर्म में इसे छेड़ूंगी तो केक टूट जाएगा। तो जब भी आप बनाओ तो पहले केक को ठंडा होने का हमेशा वेट करना, उसके बाद ही उसे मोल्ड से बाहर निकालना। हे गाइस, केक जो है मैंने ऐसे वायर रैक पे निकाल के रख रखा था जैसे वो ठंडी हो जाए एंड ऑलमोस्ट 10 घंटे हो चुके हैं, केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है।
अब इसके ऊपर आप चाहो तो इसे ऐसे ही खा सकते हो, ये चॉकलेट केक ही है, बट मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालूंगी। एंड जो चॉकलेट सिरप मैं इसमें डाल रही हूँ उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने चैनल पर शेयर कर रखी है। ये रहा वो चॉकलेट सिरप, इसकी रेसिपी ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगी, आप देख लेना जाके। मैं थोड़ा थोड़ा सा करके चॉकलेट सिरप डाल दूंगी इसके ऊपर। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, फिर आप अपनी पसंद से इसे डेकोरेट कर सकते हो। सो गाइस, चॉकलेट सॉस डालने के बाद मैंने साइड्स में थोड़ा सा डेरी मिल्क से इसे डेकोरेट किया है, बहुत सिंपल से डेकोरेशन रखा है एंड केक रेडी हो गया है। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई होगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।